जय हिंद दोस्तों, आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से इन फ्यूचर ये दुनिया का भविष्य ही बदल देगी एक तरीके से, ये हम आपसे पता करने वाले हैं। पिछले दो एपिसोड में हमने क्या देखा कि ब्लॉकचेन किस तरह से काम करती है, आखिर ब्लॉकचेन होती क्या है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बताया। यदि नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के पिछले दो एपिसोड हैं उनको देख लीजिए, फिर ये तीसरा एपिसोड देखिए। और दोस्तों, इस चैनल का कंटेंट बिल्कुल एकदम प्रीमियम है और आपको ब्लॉकचेन का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। एक भविष्य की टेक्नोलॉजी है, चलिए इसके कुछ उपयोग हम यहाँ पे देख लेते हैं जो फ्यूचर एकदम चेंज कर देंगे। कैसे इसके उपयोग है, चलिए पहला उपयोग यहाँ पे देखते हैं। पहला उपयोग यहाँ पे यदि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का देखें, वो दोस्तों आता है SCM में। SCM क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि जो आप डिलीवरी सर्विस या कुरियर पार्टनर के थ्रू आप देखते होंगे, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वो दोस्तों डिलीवरी जो करते हैं उसको कई सारे प्रोसेस से हमें यहाँ पे गुजरना पड़ता है। जो आजकल फिजिकल रूप में यदि हम देखें तो कई चीज़ें होती हैं, लेकिन हम कोई भी चीज़ अमेरिका या जापान कहीं से भी मंगाते हैं, हमें क्या जब वो प्रोडक्ट मेरे पास आता है, क्या हमारे पास गारंटी रहती है कि ये वहीं से आया अमेरिका से या फिर यहीं से कहीं से खरीद के हमें पकड़ा दिया करके है? तो यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बात किया। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करती है, वो जहाँ से आ रहा होगा उसका डेटा ब्लॉकचेन पे पड़ा होगा तो पता रहता है, उसका ट्रैकिंग जो कि होता है IoT डिवाइसेस के द्वारा जुड़ा हो रहता है, तो उससे हमें ट्रैकिंग के द्वारा पता होता रहता है, जो कि ब्लॉकचेन में डेटा ऑटोमेटिक अपडेटेड होता रहता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, वाकई में ये जो है अमेरिका या फिर जहाँ से भी आपने मंगाया वहीं से आया है और ये ब्रांडेड चीज़ है। तो ये दोस्तों सारा कुछ काम यदि हम ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी का यदि सप्लाई चेन में देखें तो जो डेटा है जो हमें एकदम एकदम जो जैसे कि आज का हम देखते हैं कि यहाँ तक आ गया है प्रोडक्ट या फिर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इसका सारा कुछ डेटा जो कि कभी ब्लॉकचेन में मिटाया नहीं जा सकता और वो IoT डिवाइसेस के द्वारा जब कनेक्ट होगा तो वो SCM एक ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी बना देगा जो कि हमें करेक्ट लॉजिस्टिक जितने भी आपके पैकेट्स या पार्सल्स होते हैं वो सब हमें डेटा वाइज दिखेंगे। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यदि देखा जाए तो हमारे पास किस तरह से हेल्प कर सकता है, सबसे पहली बात ये हमारा जो इन्वेंट्री है उसको मैनेज कर सकता है, वो भी पेपरलेस, यहाँ पे पेपर की कोई जरूरत नहीं, एनालिसिस करने में योगदान दे सकता है, लॉजिस्टिक में योगदान देगा ही, और यहाँ पे टाइम पे मार्केट का और प्लान यहाँ पे बना सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया होगा और यहाँ पे प्रोक्योरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से ये सप्लाई चेन में और प्रॉफिट भी बढ़िया कैलकुलेट कर लेगा। और ये सारा कुछ किस तरह से होगा, अब आप सोचोगे कि ये सारा कुछ कैसे होगा, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतना कुछ कैसे कर सकती है, तो इसके लिए हमें एक चीज़ और ज़रूरत पड़ती है जिसका यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, जिसका नाम है यहाँ पे जो कहलाता है IoT। IoT क्या होती है आपको मैं बता दूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा कई सारी चीज़ें हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम IoT डिवाइसेस को या फिर IoT प्लेटफॉर्म को या IoT टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन में उपयोग लेते हैं तो ये दोनों टेक्नोलॉजी एक ब्रह्मास्त्र का निर्माण कर देती हैं। जो IoT जो उपकरण होते हैं वो ब्लॉकचेन को, जब जैसे कि मान लीजिए ब्लॉकचेन को बताना है कि तापमान यहाँ पर कितना है, मान लीजिए कंडीशन उसमें लगी है कि यहाँ पर डिलीवर हो जाए ये प्रोडक्ट, तब यहाँ पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, तो 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस ब्लॉकचेन तो बताएगा नहीं, तो उसके लिए IoT डिवाइसेस होती हैं, जो वो IoT डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं तो ब्लॉकचेन को एक सुपर पावर बना देती हैं, और यही IoT डिवाइसेस जो हैं ब्लॉकचेन को और स्पेशल बनाने का काम करती हैं। तो इस तरह से सप्लाई मैनेजमेंट में यदि ब्लॉकचेन का उपयोग दिया जाए तो हमें काफ़ी कुछ ट्रस्ट उस पर ब्लॉक सप्लाई प्रणाली पर आ सकता है आने वाले दिनों में। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट दूसरा ही दोस्तों मैं यहाँ पे उपयोग ले रहा हूँ, वैसे तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं लेकिन मैं कुछ यहाँ पे बढ़िया उपयोग इसके लूँगा। नेक्स्ट यूज यहाँ पे एप्लीकेशन यदि देखा जाए ब्लॉकचेन का, तो वो होता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। कई बार क्या होता है, हम कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी खरीदते हैं तो वो क्या होता है, कोई भी हमें किसी प्रकार से बेड़ कर चला जाता है, पता चला वो किसी का था, किसी पता चला गवर्नमेंट की थी और वो हमें बेड़ गया और हमने खरीद भी ली, बाद में क्या पता चला कि ये प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी हमें पता ही नहीं किसके नाम पर पिछले पहले थी या किसी नाम पर नहीं थी। लेकिन जब ये सारा कुछ डेटा ब्लॉकचेन में पड़ जाता है तो हमें पता रहता है कि जो हम प्रॉपर्टी अभी खरीद रहे हैं इससे पहले किसकी थी, उससे पहले किसकी थी, क्या ये गवर्नमेंट के उसमें आती है या फिर नहीं आती है, ये सारा डेटा हमारा ब्लॉकचेन में एकदम सेव रहता है। तो दूसरा जो एप्लीकेशन इसका है का ब्लॉकचेन का, वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल सकता है। इससे आपके प्रॉपर्टी के पेपर लेस रहेंगे और यहाँ पे प्री परचेज ड्यू डिलीजेंस भी रहेगा और यहाँ पे जो लोगों की कमी भी कम हो जाएगी, यदि एक बार डाटा पड़ गया ब्लॉकचेन पे तो वो रिमूव नहीं हो सकता है, यानी कि उसे एडिट नहीं किया जा सकता है जैसा कि मैंने पिछले दो एपिसोड में चर्चा की। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी आप बना सकते हो, इस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा उसका हम एप्लीकेशन अगली वीडियो में देखेंगे क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है, उसको अगले में देखेंगे। और यहाँ पे किस तरह से रियल इस्टेट में आप इंडस्ट्री में कारगर हो सकती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये मैंने आपको बताया। अब इसका थर्ड एप्लीकेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड एप्लीकेशन यहाँ पे NFT के रूप में यदि आप देखना चाहें तो आजकल का जो आप ट्रेंड देखते होंगे NFT नॉन फंजिबल टोकन,
ये क्या होती है, जैसे आप कोई भी गाना या फिर वीडियो या फिर ऑडियो या फिर कोई भी फोटो आप कैप्चर करते हो, आप चाहते हो कि ये कोई दूसरा ना ले पाए, या फिर कई बार क्या होता है कोई दूसरा हमारे चोरी कर लेता है, कोई भी टोकन सॉन्ग या फिर हमें कोई भी इन्वेंशन जब हम करते हैं तो उसका हमें पेटेंट कराना पड़ता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जैसा कि यदि आपने पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि हैश एल्गोरिथम किस तरह से उपयोग करता है। हैश एल्गोरिथम को एक बार से दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, ऑलरेडी वो एरर बताने लगता है। तो यहाँ पे NFT जो है वो हमारी जो भी कोई भी आर्ट वर्क है, आर्ट इंडस्ट्री में योगदान दे सकती है। हम अपने गाने को यदि एक बार ब्लॉकचेन पे डाल देंगे NFT के रूप में, है ना, तो वो कोई हमारा दूसरा कॉपी नहीं कर सकता है, वो हमसे सिर्फ खरीद ही सकता है, विदाउट उसके कोई भी ऑप्शन उसके पास नहीं है। यानी कि ब्लॉकचेन पे पढ़ते ही कोई भी गाना या ऑडियो हो गया या वीडियो हो गया या फिर कोई भी फोटो हो गई, वो ऑटोमेटिक एक पेटेंट आपका हो जाता है जिसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। तो ये आर्ट इंडस्ट्री को भी एक योगदान देगी आने वाले समय में। और नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन यदि हम देखें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखेंगे, इसका कई एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन के, लेकिन हम कुछ यहाँ पे बढ़िया एप्लीकेशन इसके देखते हैं। देखिए कितने सारे एप्लीकेशन मैं यहाँ पे ले आया हूँ, और ये लास्ट फोटो है इसकी। और यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें तो किस तरह से किन किन सेक्टर में ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री काम कर सकती है, ऑटोमेटिव में काम करेगी, यहाँ पे ट्रैक सारी कुछ यहाँ पे हो जाएगी। हो सकता है आपको दिख भी ना रहा हो लेकिन मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ। और ये फोटो जो है इसके कई सारे चीज़ें बताई गई हैं। बैंकिंग मैं आपको सिर्फ हेडिंग हेडिंग बता दूंगा, बाकी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हमें डिटेल में यहाँ पे एक एक हेडिंग बहुत ही डीप में लिखी हुई है। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल, फिनटेक कंपनी में काम कर सकती है, चैरिटी में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कर सकती है, यूज केसेस में बता रहा हूँ इसके, क्लाउड स्टोरेज में काम कर सकती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी कि डेटा सारा कुछ इसमें स्टोर किया जा सकता है और बिना किसी पेपर के, जो आपको यहाँ पे रैम रोम दुनिया के तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। कमर्शियल व्हीकल एंड व्हीसल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन में ये टेक्नोलॉजी काम कर सकती है, उनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने में, क्रेडिट हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कर सकती है। और साइबर सिक्योरिटी की बात करी जाए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अनहैकेबल है विदाउट, जब तक इसकी ब्लॉकचेन को जल्दी हैक नहीं किया जा सकता है। डोनेशन में काम कर सकती है, एजुकेशन में काम कर सकती है, एनर्जी में काम कर सकती है, फॉरकास्टिंग में काम कर सकती है, गवर्नमेंट में भी इसका काम किया जा सकता है। कई बार क्या होता है गवर्नमेंट आप देखते होंगे कि कोई भी पैसा ऊपर से भेजा जाता है लेकिन पब्लिक पास नहीं पहुंच पाता है। इस समस्या का समाधान सिर्फ एक ही है कि ब्लॉकचेन का उपयोग किया जाए। यदि ब्लॉकचेन का उपयोग करके वो पैसा भेजा जाता है तो हमें पता रहता है कि वो पैसा आखिर किन किन लोगों के पास गया, क्या वो वाकई में जनता के पास गया भी या नहीं गया, ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आने के बाद ही। नेक्स्ट की बात करें तो गवर्नमेंट इसको वोटिंग के तौर पर भी ले सकती है। कई बार क्या होता है बोर्ड को फर्जी या फिर हटा दिया जाता है बोर्ड को, लेकिन जब वोटिंग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आएगी तो यानी कि एक बार वोट पड़ जाने के बाद आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये वोटिंग में भी काम करेगी। गन की सेफ्टी में यदि देखा जाए तो गन की सेफ्टी जो है वो क्रिमिनल ID जो बनाने के लिए उसका भी लिए यहाँ पे ब्लॉकचेन का उपयोग किया जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्सेज में काम आएगी, इंश्योरेंस में काम आएगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसा कि मैंने शुरुआत में डिस्कस किया, IoT टेक्नोलॉजी में भी कई IoT टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन आने के बाद चार चांद इसमें लग जाएंगे। लॉ एनफोर्समेंट में भी काम किया जा सकता है, यदि AI के द्वारा हम ब्लॉकचेन को गतिविधि दें तो जो भी जितने भी हमारे देश में जो मामले पड़े रहते हैं नहीं जल्दी सॉल्व हो पाते, यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें सहयोग हो जाए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक नए लेवल पर जा सकती है। लीगल तरीके से काम आ सकती है, जितने भी केस होते हैं उनका सारा कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने में पेपरलेस टेक्नोलॉजी के रूप में काम करेगी। मार्केटिंग में काम करेगी, मीडिया में काम करेगी, हेल्थ केयर में काम करेगी। हेल्थ केयर में किस तरह से काम करेगी, मान लीजिए कोई पेशेंट है, हमें नहीं पता कि उसने पिछली बार इलाज कहाँ पे कराया था, क्या उसको प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, यदि उसको हम एक ID कार्ड दे दें जिसमें उसका एक QR कोड जनरेट कर दें, उसमें हम ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दें कि पिछली बार उसने इलाज यहाँ से कराया था, उसको क्या प्रॉब्लम थी, तो वो नेक्स्ट अस्पताल जब जाएगा तो उसमें ऑटोमेटिक वो जैसे ही उसे स्कैन करेगा उनको पता चल जाएगा कि पिछले अस्पताल में उसने क्या कराया था, पिछले हॉस्पिटल में उसको क्या बीमारी थी, तो उससे बेहतरीन इलाज यहाँ पे किया जा सकता है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग में भी इसका योगदान रहेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन राइड शेयरिंग में भी, रियल एस्टेट का यूज मैंने आपको बता ही दिया है, ट्रैवल का बता ही दिया, ट्रैवल में भी यूज करेगा, पैसेंजर की आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए, और विल्स एंड इनहेरिटेंस, इन सारी चीज़ों में उसका मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सारे यूज केसेस मैंने आपको ब्लॉकचेन के बताए, किस तरह से ब्लॉकचेन IoT यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जब मिल जाती है तो इस टेक्नोलॉजी को चार चांद लग जाते हैं और ये टेक्नोलॉजी एक नेक्स्ट लेवल का ही टेक्नोलॉजी बन जाती है। तो आने वाला फ्यूचर इसी का है, तो देखते रहिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हम आपके लिए पूरा ब्लॉकचेन की सीरीज लाने वाले हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।